नमस्ते दोस्तों, हमारे सामने खड़ी स्प्लेंडर बाइक और हम इसके अंदर एक ऐसा जुगाड़ फिट करेंगे जिससे हमारी बाइक चोरी होने से बच जाएगी। तो दोस्तों वो जुगाड़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये 30 रुपये का स्विच है दोस्तों, और ये हम इस बाइक के अंदर सेट करेंगे, और किस तरीके से सेट करेंगे दोस्तों वो भी हम आपको बताएंगे। इस स्विच को लगाने के बाद आपकी जो बाइक है चोरी नहीं होगी बिल्कुल भी। दोस्तों आपको इस स्विच को लगाने से पहले आपको इसकी सीट ओपन करनी है और इसका फ्यूल टैंक उतारना है, और इन दोनों चीज़ों को खोलने के बाद दोस्तों आपको इसके यूटिलिटी बॉक्स को भी खोलना है दोस्तों, क्योंकि जो हमारा ये स्विच है दोस्तों ये यूटिलिटी बॉक्स के अंदर लगेगा, ताकि इस स्विच के बारे में सिर्फ हमें पता हो, इस स्विच के बारे में दोस्तों हमारे सिवा किसी और को ना पता चले। तो दोस्तों हमने इसका जो यूटिलिटी बॉक्स है वो हमने खोल रखा है, और इसके अंदर हमने एक होल भी रखा है ताकि जो हमारा स्विच है वो आसानी से इसके अंदर सेट हो जाए। तो दोस्तों हम इसको इस स्विच को इसके अंदर सेट करके आपको जल्दी दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने इसका जो वायर है यूटिलिटी बॉक्स से बाहर निकाल कर, तो दोस्तों हमने इसका जो स्विच है उसके अंदर वायर जोड़कर हमने इस साइड लेके आए हैं। तो आपको मैं बता दूं कि इसके कनेक्शन भी आपको कैसे करने हैं। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, इसके अंदर आपको दो वायर मिलेंगे, एक आपको प्लस का और एक माइनस का। तो आपको प्लस वाले के अंदर इसको बिल्कुल भी नहीं देना है, आपको इस माइनस वाले वायर को हटा देना है इग्निशन कॉइल के अंदर से। और मैं आपको पहले प्रूफ करके दिखा देता हूँ कि बाइक का जो माइनस वाला जो वायर है हटाने के बाद बाइक स्टार्ट होगी कि नहीं होगी। पहले मैं दोस्तों आपको इसको लगा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल बाइक स्टार्ट है, रेस पकड़ रेस। और आप देख सकते हैं दोस्तों इस वायर को हटाने के बाद आपकी जो बाइक है बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो हमें करना क्या है कि इस दोनों वायरों को इस वायर के अंदर कट मारने के बाद इन दोनों को आपस में जोड़ना है। इसके बाद जो हमारा स्विच है वो बिल्कुल वर्किंग के अंदर आ जाएगा। तो दोस्तों आपको इस तरीके से इस वायर को बिल्कुल अलग कर देना है, और इनके वायर को थोड़ा सा निकाल कर इस स्विच के वायरों को आपस में टच कर देना है दोस्तों। दोस्तों आपको इग्निशन के अंदर इस वायर को दोबारा जोड़ देना है, और आप देख सकते हैं इसके जो वायर है हमने कट मारकर अलग अलग जोड़ दिए हैं। और जो हमारा स्विच है दोस्तों, स्विच हमारा इस तरीके से आपको दिखा दूं मैं। तो दोस्तों आप इसको ऑन करेंगे तो स्टार्ट होगी, और ऑफ करेंगे तो आपकी बाइक बंद हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमारी बाइक है ऑन, आप देख सकते हैं आप दोस्तों बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही है, जबकि हमारी चाबी बिल्कुल ऑन है। और जैसे ही मैं इस स्विच को ऑन करूंगा, और ऑन करने के बाद जो हमारी बाइक है बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी थोड़ी देर। और आप देख सकते हैं दोस्तों इस बटन को बंद करने के बाद ये बाइक बंद भी हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी बाइक के अंदर पुशपुल स्विच लगा सकते हैं। 30 रुपये 40 रुपये का आपका ये स्विच आएगा, और इससे आपकी जो बाइक है चोरी होने से बच जाएगी। अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।